गाइस, वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम को अभी तक कितने ही कप्तान मिल चुके हैं, जिनके अगर नाम गिनवाए जाए तो दिन से रात हो जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में विशेषकर हम उन 5 कप्तानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अधिक समय तक टीम की कप्तानी की है। इसी के साथ हम भारत के वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा के रिकॉर्ड भी जानेंगे। इसीलिए अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो होगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं कपिल देव। गाइस, कपिल देव को कौन नहीं जानता। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप उठाया था और जिनसे इंस्पायर होकर सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। कपिल देव ने 1982 से 1987 तक भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें उन्होंने 74 मैचों में टीम की कमान संभाली थी और उसमें से 39 मैचों में टीम को जीत मिली और वहीं 33 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। और जब जब भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की बात की जाएगी उस समय कपिल देव का नाम अवश्य आएगा। नेक्स्ट, इस सूची में 4थे नंबर पे नाम आता है मोहम्मद अजरुद्दीन का, जिन्होंने 1990 से 1999 तक टीम की कमान संभाली, जिसमें उन्होंने 174 मैच खेले, उसमें से 90 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली और वहीं 76 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा और उनका विन परसेंटेज 54.16 था। और वहीं नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आते हैं क्रिकेट के दादा सौरभ गांगुली। अगर एक एग्रेसिव कैप्टनशिप की बात की जाए तो वो दादा में थी। उन्होंने 1999 से 2005 तक टीम की कमान संभाली, जिसमें उन्होंने 146 मैच खेले और वहीं 76 मैचों में उन्हें जीत मिली और वहीं 65 मैचों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। उनका विन परसेंटेज था 53.90। इसके बाद दूसरे नंबर पे नाम आता है भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान विराट कोहली का। विराट कोहली ने 2013 से 2021 तक टीम की कमान संभाली थी, हालांकि वे अभी भी टीम इंडिया का एक हिस्सा हैं, बस वो अब कप्तानी नहीं करते हैं। विराट ने 95 मैच में टीम की कप्तानी की, जिसमें 65 मैचों में टीम को जीत मिली और वहीं 27 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा और इनका विन परसेंटेज 70.43 का है, जो कि इस सूची में सबसे ज्यादा है। विराट की कप्तानी करियर का सबसे बड़ा दाग यह रहा है कि उनकी कप्तानी में टीम ने कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती है। एंड फाइनली, इस सूची में नंबर 1 पर आते हैं कैप्टन कूल MS धोनी। धोनी के नाम सबसे ज्यादा मैचों में टीम की कमान संभालने का रिकॉर्ड है। MS 2007 से 2018 तक टीम के कप्तान थे और उन्होंने कप्तानी में खेले गए 200 मैचों में से 110 मैचों में टीम को जीत मिली तो वहीं 74 मैचों में टीम को हार का सामना भी करना पड़ा। और धोनी की कप्तानी की जो बात सबसे खास है वो यह है कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 3 ICC ट्रॉफी जीती है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप, वन डे वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी शामिल है। और माही ही टीम इंडिया के अभी तक ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर है। और अब बात करते हैं टीम इंडिया के प्रेजेंट कैप्टन रोहित शर्मा की। रोहित 2017 से ही पार्ट टाइम विराट की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन इसी वर्ष उन्हें भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट का फुल टाइम कैप्टन बना दिया गया था। तो रोहित ने अभी तक 16 मैचों में भारतीय टीम की कमान संभाली है, जिसमें 13 मैचों में टीम को जीत मिली है और वहीं 3 मैचों में टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है। रोहित का विन परसेंटेज 81.25 रहा है, जो कि काफी अच्छा है। हालांकि रोहित को अभी तक ज्यादा मैचों में टीम की कमान संभालने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनके शुरुआती आंकड़े काफी काबिले तारीफ हैं और वे लंबे रेस के घोड़े लगते हैं। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इनमें से आपका पसंदीदा कैप्टन कौन है हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द क्रिकेट स्टोरी को।